लेवल में लग रही है, पूरा खेत लग रहा है पता है। जैसे पानी डालेंगे ना वैसी टाइट हो जाएगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ममता ब्लॉग ऑफिशियल में फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग किचन से स्टार्ट हो रहा है और किचन की चल रही है सफाई। तो घर की सारी साफ सफाई हो चुकी है, अभी किचन बच गई है। तो आज हमें 3-4 दिन हो चुके हैं, कपड़े धो दिए हैं, पर्दे वगैरह सब धुल गए हैं, लगा भी दिए हैं और बस किचन बच गई थी। तो आज किचन की बारी है, मैंने सारी खाली कर दी है पूरी, क्योंकि पूरी खाली करने के बाद अच्छे से साफ सफाई हो जाती है। तो ऊपर से नीचे से मैंने सारी साफ कर दी है और बस इतना कचरा निकला है। तो वैसे बीच बीच में मैं करती रहती हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा लगा नहीं। तो बस जितना मेरे को लगा इतनी मैंने डब्बी धो दी हैं। और जो मतलब दाल मुझे लग रही थी सुखानी है वो मैंने सुखाने डाल दी, वो सारे डब्बे मैंने धो दिए हैं। बाकी इतने गंदे नहीं थे तो मैं कपड़े से साफ कर दिए, बहुत सारे डब्बे मैंने कपड़े से साफ करके रख दिए हैं। तो जहाँ पे जो अरेर की दाल थी ना वो थोड़ी मुझे लग रही थी और बाकी तो सब साफ थी। तो फिर भी मैंने छलनी से छान छान के सारी सुखाई है और बस सरसों भरी थी ज्यादा गई है, चारों तरफ फैल गई है, सिमटने में बड़ी दिक्कत है। और उधर भी कांच आंच के टुकड़े गिर गए हैं। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे बर्तन मैंने निकाल के रखे हैं और अभी मैं बहुत सारे डब्बे साफ करके मैं रख चुकी हूँ। और बाकी ये छोटे मोटे पड़े हैं तो इनमें से मुझे मतलब छांट छांट के जो मुझे रखने होंगे मैं रखूंगी, बाकी फेंकने वाले होंगे तो मैं फेंक दूंगी किचन में। तो बहुत सारे जब ही निकलते हैं जब किचन पूरी खाली करते हैं तब। तो बस यहाँ पे मैंने एक बार सर्फ के कपड़े से पूरी किचन अच्छे से रगड़ दी है, जो बर्तन धोने वाला जूना होता है उससे पूरी टाइल्स। और अभी मैंने सूखा कपड़ा थोड़ा सा ड्राई करके ले लिया, उससे मैं एक बार अच्छे से पोंछ दूंगी तो जो पानी के छींटे छींटे हैं वो नहीं रहेंगे। किचन से हुए फ्री, बर्तन पहले बनाऊंगी खाना क्योंकि बच्चे आने वाले हैं और उसके बाद करूंगी कुछ और काम। अब आज घूम रही है पूरी किचन में, एकदम साफ सुथरी हो गई, थोड़ा सा फैल रह गया है तो उसको थोड़ा सा और करूंगी। मतलब कुछ ऐसा कपड़ा लूंगी तो फैल जाए क्योंकि बहुत ज्यादा चिपचिपा सा हो जाता है ना, तो इसलिए देखूंगी। तो नाना धोना मैंने सुबह में ही निपटा लिया था, कपड़े सारे धो दिए हैं और झाड़ू पोछा मैंने सारा करने के बाद में किचन में लगी थी, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाता। किचन में इतना ज़्यादा गंदा नहीं था इसलिए फिर मैंने मतलब सुबह में ही सारे काम कर लिए थे अपने। और अभी हिमांशु भी आ चुका है स्कूल से। तो यहाँ पे हिमांशु आ गया है और अभी मैं फटाफट छोंक देती हूँ, जब भी मैं काट ही रही थी जब तक वो आ गया है। और मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया, अगर साफ सफाई में लगना है तो खाना पहले बना के और उसके बाद साफ सफाई में लगो तो सही है। तो बस आज मुझे दाल चावल ही बनाने थे, मगर फटाफट बन जाएंगे लेकिन उसमें भी टाइम तो लगता है। तो मैं काट ही रही थी जब तक, पका मैंने पहले ही किया, दाल मैंने पहले ही बॉयल कर ली थी। बाहर के रूम में मैंने गैस सिलेंडर रखे, वहीं पर मैंने चढ़ा दी थी तो दाल पक चुकी है। तो सारी मिक्स दाल बनाई है तो थोड़ी चने की दाल थोड़ा टाइम लेती है, बाकी तो दाल जल्दी पक जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने अभी छोंक दी है, रक्षा आएगी लेट, उसको 3:30 बजे लेने जाना पड़ता है। तो अभी तो मैं क्या कर रही थी, सुबह में खाना जल्दी जल्दी बना कर जब मैं साफ सफाई में लगती थी। दाल में तड़का लगा के मैंने पानी डाल के छोड़ दिए पकने के लिए, थोड़ी सी कम पकी थी दाल तो थोड़ी सी इसमें थोड़ी देर में पकाऊंगी तो अच्छे से मिल जाएगी। और यहाँ पे अभी चढ़ा देती मैं चावल, तो 1 kg चावल लेके आए हैं थोड़े अलग से। तो बोल रहे थे कि ये वाले चावल थोड़े टेस्ट करके देखते हैं, अगर अच्छे बनेंगे तो ये वाले चावल लेके आएंगे। तो बोले इतने तरह के चावल होते हैं, हम एक तरह के चावल खाते रहते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है लेके चलते हैं। तो 1 kg लेके आए हैं और बाकी अच्छे लगेंगे तो बाद में फिर मंगा लेंगे। तो बस अभी भी मैंने चढ़ा दिए बनाने के लिए। और जब अलग चावल लेके आते जो बनाते रहते हैं उनको हमें आदत सी हो जाती है ना, पानी कितना डालना है, कितनी देर कितनी सीटी लगानी, मतलब ऐसे पता चल जाए। कोई कोई में 2 सीटी लगाना पड़ती है, कोई कोई चावल ऐसे होते हैं ना उसमें 1 ही सीटी लगती है।
तो बस वही मैंने फिर अभी रख दिए हैं। देखते हैं अगर अच्छे बनेंगे तो फिर लेके आएंगे, और नहीं तो फिर वही वाले अच्छे लगते हैं मुझे तो जो हम खाते हैं। तो खाना बन चुका है, अभी बना रही हूँ मैं चाय। अभी इनका फोन आया था, बोले 2 मग चाय बना देना। तो सुबह से इंदौर गए हैं और एक भैया हैं तो वो गाड़ी उठा रहे हैं, तो बस उसी के लिए इनको लेके गए थे साथ में। और अभी बस मैंने जहाँ पर चाय रख दी है बनाने के लिए, और थोड़ी सी चाय बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा चाय बनाने में मुझे लगता है जल्दी बन जाती है, क्योंकि थोड़ी सी चाय है ना बहुत धीमी धीमी आंच पर पकाना पड़ती है। तो बढ़िया कड़क सी चाय बन के रेडी हो गई है, और अभी दे देती हूँ, वो आ भी चुके हैं यहाँ पे। दोस्तों खाना पीना खाने के बाद मैंने जो दाल बाहर सूख रही थी वो डब्बों में भर दी है, और जो बर्तन थे धोने वाले वो धो दिए हैं, साफ करने वाले थे वो साफ कर दिए हैं। अभी बारी है लगाने की, तो लगाने में इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो जो बड़े बड़े डब्बे हैं ये तो मैंने जहाँ पे लगा दिए, क्योंकि इनकी जगह यही थी। जो छोटे मोटे डब्बे हैं वो मैंने नीचे अलमारी में लगा दिए। तो अभी मैंने सारी जगह चेंज कर दी है डब्बों की, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो अभी मैंने जो चने थे वो भी भर के रख दिए। अभी जाना है हमें मार्केट, तो राशन भी खत्म हो गया है, तो वो राशन लेके आना है। कौन सी? ये तो बड़ी है। अच्छा मंदिर मिल जाएगी ना? ठीक, नहीं 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 ले ली। दोस्तों राशन का सामान लेके हमने नीचे रख दिया है, और अभी आ गए हम ऊपर। तो ऊपर मिलते हैं कपड़े, टॉवल, बेडशीट वगैरह, तो ऐसी चीजें जहाँ पे ऊपर मिलती हैं। तो बस वहां से हमने देखा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, बोले बाद में आएंगे। अभी क्या है, लेट हो रहा था, और लेट जब हो रहे हैं ना तो कोई चीज समझ में नहीं आती, कितना भी देख लो। तो बस यहाँ पे अभी बिल वगैरह करा के और अभी निकल जाएंगे हम घर के लिए। तो दोस्तों अभी हो गया नेक्स्ट डे, और वीडियो कल से चल रही है, और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। घर के सारे काम निपट गए हैं, रक्षा स्कूल जा चुकी है, मानसू नहीं गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो 4-5 दिन से उसका ऐसा ही चल रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। तो बस अभी मैं जाऊंगी मंदिर की सफाई करने। तो बाकी पूरे घर की सफाई हो चुकी थी, लेकिन मंदिर लास्ट बच गया था, तो बस वो भी मैंने अभी साफ कर दिया है। आज है धनतेरस, तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जहाँ पे मैंने बर्तन धो दिए हैं, और जो कपड़ा था वो मैंने बदल दिया है, जो पिछले साल लेके आए थे वही रखा था एक टुकड़ा, तो वो मैंने बिछा दिया है, पुराना वाला हटा दिया है। और इतना जल्दी ख़राब नहीं होता, अगर जैसे कुछ बाती वगैरह गिरती नहीं है ना तो ख़राब भी नहीं होता। जो वाला कपड़ा झाड़ दो अच्छे से साफ हो जाता है। तो अभी जाऊँगी मैं तुलसी पर दीपक जलाने, और ये लगे हैं बाहर गार्डन बनाने के लिए। जिस दिन से आए उस दिन से गार्डन में ही लगे हैं, और अभी नाश्ता वगैरह हम बाहर करेंगे। अंदर तक निकली नीचे तुम इकट्ठे कर दोगे तो फिर जा मैं नीचे, तो फिर खोदना पड़ेगा। घंटा का पेड़ हटा रहे हैं, लगा रही हो गए। नहीं बालंग से तो नहीं आएगा, जालंग इधर की साइड में, जहाँ बीच में। हाँ इधर से आराम से निकल जाएगा, तो वहां पे खुद अबे खोदने की जरूरत नहीं है। जब बारिश होगी तो मिट्टी चिपक रही है पैरों से। पूरा खेत लग रहा है, पता है पूरा खेत लग रहा है, पता है मिट्टी भी बहुत बढ़िया लग रही है। अब जैसे पानी डालेंगे ना वैसी टाइट हो जाएगी। यहाँ पे गार्डन बन चुका है, अभी कैरी बना रहे हैं जिसमें पालक, धनिया और लहसुन वगैरह लगा देंगे। और अभी मैं कह रही नाश्ता कर लो, अभी नाश्ता भी नहीं किया है, मैंने आटा उठा के रख दिया था, क्योंकि रक्षा के लिए मैंने बना दिया। मैंने कहा अभी ज्यादा टाइम नहीं है, बाद में बना दूंगी। तो जहाँ पे जो गमला था वो टूट गया, जिसमें जो पेड़ लगा था अभी वो दूसरे में लगाया है, वो मैंने दूध में रख दिया है। कपड़े भी धुल गए हैं, अभी मैं सुखाने डाल देती हूँ। मंदिर के भी मैंने सबरे जितने भी कपड़े थे वो मैंने धो के रख दिए, अभी मैं जाऊंगी बाहर दोनों लेके जाऊंगी, सुखाने डाल देती हूँ। और वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही थी तो मैंने 2 पार्ट में कर दिए, वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी। और आज की वीडियो को मैं कर देती हूँ एंड, मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।